बड़ा फिनिश देखो ना, इसको डिफरेंट एंगल से देखोगे तो आपको ना कार्बन के श्रेडेड कार्बन नजर आएंगे देखो। और एयर ब्रशिंग देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि जैसे हाथ से किया हुआ काम है, आपको लगेगा ये प्रिंट है या स्टिकर है। जी फिलहाल रात के बज रहे हैं 12:10, अपन ने कर लिया जी व्लॉग की एडिटिंग एंड मस्त रेडी हो गए। हाँ, लूज लूज सा पहन के एकदम चकाचक रेडी है, बस व्लॉग जल्दी से रेंडर हो जाए, इसको अपलोड पे लगा दूँ मैं। अब जनरली हमारा व्लॉग ना दिन से स्टार्ट होता है जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ, क्योंकि तब मैं सो के उठता हूँ। अभी मैं सोया ही नहीं, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर आने वाली है और उसको पिक करने मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो वो बोलेगी भाई इतनी दूर से मैं इंडिया पहुँच गई, तुम साले टाइम से नहीं आ पाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑफिस, घर और ये भी। चल कोई नहीं, अभी निकलते हैं यहाँ से, जल्दी फटाफट रेंडर हो जाए, इसको अपलोड पे लगा दे ताकि वहाँ से आते वक्त अगर लेट भी हो जाए और मैं फिर मैं सो भी जाऊँ तो आपके लिए व्लॉग टाइम से आ जाए। मेहनत मेहनत, डेडिकेशन, हिम्मत और नींद नहीं आने की बीमारी। भाई सब लोग सो रहे हैं, मैं चाबी लेके निकल रहा हूँ सीधे एयरपोर्ट। अरे यार स्कूबी ना भौंके, चुपचाप बिना किसी को उठाए हुए। मैं भी सोचा सो जाऊं, फिर मैं सोचा अगर मैं सो जाऊंगा ना भाई मैं उठ नहीं पाऊंगा। भाई मैंने टर्मिनल 3 पार्किंग डाला, मैंने कहा भाई ऐसा क्या दिखा रहा है कि 7000 किलोमीटर दूर 140 घंटा फिर मैं देख रहा हूँ। भाई यार इंडोनेशिया लग गया ना, और सच्ची बताऊँ तो इंडोनेशिया का मैप भी आ रहा है ना इंडिया से इधर उधर जाके। भाई मतलब इंडोनेशिया के अगर टर्मिनल 3 जाना है तो गाड़ी लेके जा सकते हैं, ये तो आज समझ में आ गया कि भाई रोड आप इंडोनेशिया ट्रैवल कर सकते हो वाया थाईलैंड। रोड से कनेक्टिविटी कोई टेंशन नहीं है। मिला जुला के तो पहुंच गए जी, अब यहाँ पे गाड़ी पार्क करके गेट नंबर 4 पे जाना है मेरे को, वहीं से पिक करना है। फिर टाइम से पहुंच गए अपन, फास्ट टैग का थोड़ा लफड़ा हो रहा था, पता नहीं इसका फास्ट टैग क्यों नहीं रीड कर रहा था, या तो उनके मशीन में प्रॉब्लम है, फास्ट टैग में तो प्रॉब्लम नहीं है। हाईवेज पे चलते हैं हम, फास्ट टैग में तो पता है, फास्ट टैग में तो प्रॉब्लम नहीं है, मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम थी। भाई ये देख रहे हो, हाँ ये वन ऑफ माय फेवरेट कार, मतलब जो ड्रीम कार जिसको कहते हैं ना, एग्जैक्टली वो है लैंड क्रूजर। मेरी गाड़ी कितनी छोटी सी बच्ची सी लग रही है। छोटी बच्ची हो क्या? हाँ मैं छोटी बच्ची हूँ। और सामने से इसका हैवान लुक, हाँ क्या खतरनाक, वैसे गंदी पड़ी हुई है काफ़ी, लगता है काफ़ी दिन से यहाँ पार्क्ड है, कोई पार्क करके गया होगा, बट बहुत ही खूबसूरत यार, बहुत ही सही। अब पार्किंग ना आगे भी थी बट मैंने जानबूझ के ना वहाँ पे गाड़ी लगाई। मोटिवेशन मोटिवेशन टू वर्क इवन मोर हार्डर सो दैट समडे यू कैन अचीव योर ड्रीम। ड्रीम्स ख़त्म नहीं होने चाहिए और उसको हासिल करने के लिए, पाने के लिए ना आपकी मेहनत भी कम नहीं होनी चाहिए। बाकी मैंने जैकेट वैकेट डाल लिया भाई, हाँ फर्स्ट जैकेट ऑफ दिस विंटर सीजन जो आ नहीं रहा है। तुम इतना सारा सामान क्यों लेके आई है? हाँ फूल माला नहीं लेके आई मैं, नहीं तुम BMW लेके आओ, मैं सीरियसली इतना नहीं जाएगा, टैक्सी करना पड़ेगा। तुम टैक्सी हर बार ऐसे छोटा बैग लेके आते थे रहे, तुम टैक्सी करके आओ, तुम मेरे पीछे भी नहीं, सीरियसली यार सीट पे डाल देंगे, तुम पागल हो क्या? सीट पे नहीं जा सकता, ये जा सकता है, हम कर देंगे, तुम चलो, तुम टैक्सी लेके आओगी, बाय चलो बाय। वीडियोस में ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही है ना, नेक्स्ट टाइम तुम नेक्स्ट ईयर आओगी तो ये वाली गाड़ी तुम कब आओगे मेरे से मिलने के बगल में ही लगाएंगे पार्किंग में। बलिनो में आओगे? हाँ बलिनो में आऊंगा ना मैं, ये अभी मैं तो आता हूँ। ओए ओए मेरे पास, तू मेरे पास क्यों नहीं आई? हाँ ओए इधर आ इधर आ, ये बहुत चंट है, कल से मेरे रूम में नहीं रहेगी ये।
ऐसे ना एक्टिंग करती है। हाँ इधर आ। हाँ बहुत चंट है। ओए तो सुबह से उछल कूद कर, मैं जब जाता था ना तो सोती रहती थी। बिन्नी आई है ना। हाँ सीरियसली देखो। हाँ चल बाय, तू नहीं जाएगी नीचे। भाई मेरे को सीरियसली लगता है ना कि स्कूबी तो मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करती, बिल्कुल नहीं। भाई हर दिन आपने देखा है ना, आप व्लॉग फॉलो कर, भाई कभी उठती नहीं थी, ऐसे करके देखती थी ठीक है, मुंह टेढ़ा करके, और आज पूरे दिन इधर उधर खेल रही है। मतलब वैल्यू नहीं है प्यार की। मत आना आके और डिस्टर्ब करेगी ना। कल रात में मैं लेट सोया था तो मैं ऑफिस भी लेट ही आ रहा हूँ, मतलब 11:30। वैसे तो ऑफिस नॉर्मल टाइम पे सब लोग काम वाम सब स्टार्ट हो ही गया, बट अपन मेरे को सोते सोते ना 3 बज गए थे यार, और मेरी आंखें ना सीरियसली सुबह भी नहीं खुल रही थी, वो तो मैंने अलार्म लगाया था इस वजह से उठा, अदरवाइज क्या मज़ा आ रहा था सोने में। भाई ये है नई GT, बहुत ही सुंदर यार, बस परफेक्ट भाई, बहुत ही प्यारा इंटीरियर एक बार देखें इसका। ओ वाह बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही सुंदर। हाँ ये जो एक्चुअल चीज़ है ना, ये मैं अपनी गाड़ी में बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, मतलब मेरे को ना ये वाला क्लस्टर ज़्यादा सुंदर है। PPF के लिए ना? Yes, sir. भाई फिलहाल 2:30 बज रहा है और 2:30 बजे अब जाके मेरे को कैमरा उठाने का टाइम मिला है। हाँ आज पापा बिन्नी भी आए हुए हैं, पर दो लोग अंदर बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं तो पूरा यहाँ हाँ मेरे बारे में क्या बात करें क्या एक मिनट में सुन क्या कह रही है। हाँ क्या कह रही हो? बोलिए साउंड प्रूफ करा दो इस रूम को। उसके बाद क्या होगा पूछो। उसके बाद हम लोग तुम्हारे बारे में बात नहीं करेंगे। चुगली करोगी? साउंड प्रूफ नहीं हुआ। मैं भूख लगी है मेरे को, मैं कुछ। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई वो एंडेवर और फॉर्च्यूनर कब रेडी होगी, तो आज सौरभ भाई ना नोएडा गए हुए थे, क्योंकि वो दोनों गाड़ियां नोएडा में उसका कार्बन फाइबर और बाकी सारे पार्ट्स हो रहे हैं, और पूरी गाड़ी देखो जब गाड़ी पूरी रेडी होगी तो डेफिनेटली आपको वो डिटेल्ड वीडियो ETU स्टूडियो पे तो मिलेगा ही। बट अभी कुछ आ रहा था, बट अभी मैं सौरभ भाई से ना कुछ क्लिप्स ले रहा हूँ, और सौरभ भाई के जो क्लिप्स हैं ना, जो सौरभ भाई वहाँ पे गए, भाई साहब आप भी कहोगे भाई ये चीज़ कोई भी रेप्लीकेट नहीं कर सकता, चैलेंज है। भाई जो लोग सोचते हैं कि गाड़ी को कंप्लीट पेंट करना आसान है इनसाइड आउट, भाई इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क। एक एक पार्ट डेफिनेटली आपको ना देखना पड़ता है कि कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जो रह जाए, जिससे गाड़ी का ना जो हमने काम पकड़ा है ना वो एक तरीके से ख़राब हो जाए। तो ये गाड़ी आई थी सिल्वर कलर में, इमेजिन ये करो, हमारे को इंटीरियर में भी पेंट करना था और एक्सटीरियर में भी पेंट करना था, ताकि जब आप डोर खोलो या बूट खोलो तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस ना हो कि आपकी गाड़ी सिल्वर कलर की थी। इन डिटेल में जाओगे ना तो देखो इसके नीचे होता है हमारा, इसमें स्पेयर व्हील आता है ना नीचे, हाँ ये जरा, तो इसके नीचे आता है स्पेयर व्हील, और इसका जो टैंक होता है ना डीजल का टैंक, वो इसके नीचे होता है, सीट के मोस्टली नीचे होता है। तो इवन हमने सीट्स रिमूव करके ना इंटीरियर के पार्ट भी पेंट करे हैं, और अगर आप डिटेल की बात करते ना तो इवन हमने इन सारी चीज़ों को भी ना पेंट किया है, क्योंकि ये भी बेज कलर में थी। इसके अलावा अभी इस गाड़ी में बाकी जो वायरिंग और इन सब का काम चल रहा है और फाइनल फिटिंग चल रही है, इसकी हमने लाइट्स चेंज करी हैं जो कि अभी इंस्टॉल होंगी, मतलब हेडलाइट और टेल लैंप दोनों। फिर इसके अलॉय व्हील्स पे भी काम होना है जब ये हो जाएगा, क्योंकि अब इसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो कार्बन फाइबर होने के लिए गया, तो कार कैन नॉट बी मैनूवर अराउंड। बाकी मैं आपको ना एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ जो हमने कार्बन फाइबर पार्ट्स भी किए। बाकी ये गाड़ी के देखो सारे पार्ट्स खुले हुए हैं, इन पे भी पेंट हुआ है, सबको ना प्रॉपर ब्लैक करने के लिए टाइम लगता है। तो ये सारे बेज कलर के पार्ट्स हैं, अब आप देख सकते हो हमने इसको बहुत ही बढ़िया मैट ब्लैक फिनिश पेंट दिया, जो कि गाड़ी को ना कंप्लीट डार्क अपेयरेंस देगी अंदर से भी।
ये देख सकते हो ये फोर्स कार्बन फाइबर का पार्ट है, इस पर कस्टम एयर ब्रशिंग हो चुकी है। इसकी फाइनल पॉलिशिंग और वो हो रही है, होनी बाकी है अभी, जो कि मोस्ट लाइकली अभी इसके ऊपर एक क्लियर कोट होगा और विद इन वन वीक ये भी फाइनलाइज हो जाएगा। बट आप फिनिश देखो ना, इसको डिफरेंट एंगल से देखोगे तो आपको ना कार्बन के श्रेडेड कार्बन नज़र आएंगे देखो। और एयर ब्रशिंग देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि जैसे हाथ से किया हुआ काम है, आपको लगेगा ये प्रिंट है या स्टिकर है, बट एक्चुअल में ये एयर ब्रश किया हुआ भाई। भाई ये देख के ना मज़ा आ जाता है, बहुत ही बढ़िया पार्ट निकल के आया, पार्ट तो अच्छे बने। भाई डिटेल की बात करते हो तो ये देखो, तो हमने ना कलर जो रेड कलर है ना वो कैलिपर के साथ मैच करने के लिए ये थीम दी है। अभी इसमें डेफिनेटली फाइनल फिनिशिंग हो रही है, बट जो ये पार्ट निकल के आ रहा है ना वो अल्टीमेट लग रहा है भाई। जो लोग कार्बन फाइबर के शौकीन है या कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव काम कराना चाहते हैं, दे कैन रीच आउट टू अस, बट आपको पेशेंस और पैसे दोनों खर्चने पड़ेंगे। इनमें बस वो पॉलिश फ्री रहती है, इसमें खाली पॉलिशिंग रहती है ना, वो भी सैंड करके पॉलिश। यानी नेक्स्ट टाइम ना हम इसमें जो पेंट करेंगे ना वो पर्ल वाला रेड करेंगे, पर्ल रेड, ठीक है, मतलब पर्ल ही डालने। हाँ पर्ल डालने। और ये वाला पार्ट देखो भाई, ये डोर का जो आर्मरेस्ट होती है उसका आगे एक्सटेंशन होती है, इसमें सारे कंट्रोल्स आते हैं। फाइनल फिनिश देख, लग ही नहीं रहा कि इंडिया में काम हुआ है, बट हाँ डेफिनेटली हमने इनाउंस किया है। और ये फिनिशिंग देखो, ये हमने यहाँ पे एक पिन स्ट्राइप दी हुई है रेड कलर की, जो कि रेड एक्सेंट में है, और ये गाड़ी में लगा हुआ ना बहुत ही बढ़िया लगेगा, ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया लगेगा। अभी तो इसमें गियर में आप भी आने वाला है, आपको दिखाऊंगा। बट ये फोर्स्ड कार्बन फाइबर ना रेगुलर कार्बन फाइबर से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा करी होती है। और देखो भाई, उसके बाकी के पार्ट्स यहाँ पे रेडी पड़े हुए हैं, तो ये फाइनली इंस्टॉल होंगे। इसमें अराउंड 80 प्लस पार्ट्स थे छोटे छोटे जिन पे पेंट हुआ है। तो भाई हर एक पार्ट के अंदर पेंट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर पार्ट एक अलग शेप का है और उसके अंदर अलग अलग चाहिए। और हमने ना इवन इन डिटेल जाने के लिए ना हमने ये अंदर तक पेंट किया भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार से पेंट किया, बिल्कुल अंदर तक पेंट किया, चाहे इस पर स्क्रू क्यों ना लगना। फाइनल फिनिश बहुत बढ़िया आएगी जब ये गाड़ी पूरी की पूरी इंस्टॉल हो जाएगी ना, मतलब फिक्स हो जाएगी, तो आपको ना मज़ा आ जाएगा। देखिए मैंने क्या लाइटें लग जाएंगी दिवाली की, ये अच्छी लग रही है ना ऐसे। मैंने घर पे तो लगवा दी, मतलब मैंने नहीं लगवाई, किसी और ने लगवाई, लेकिन हाँ घर तो मेरा है। वो मैं कल गया, मेरा ही घर है क्या, लाइटें लगी हुई अच्छी लग रही है। ये कैसे बंदे हैं, कार्ड पार्टी चल रही होती है, खुद गायब हो जाते हैं। अरे मेरे को आता ही नहीं है सौरभ भाई, कम से कम बूट तो डाल ही सकते हो। मेरे को तो पहली बार पता चला कि बिना पत्ते उठाए ऐसे कॉइन रख देने को बूट कहते हैं। मैंने कहा तो बूट बूट से कुछ और समझ में आता था मेरे को, गाड़ी की डिक्की को बूट तो पता है। एग्जैक्टली, मेरे को तो वो भाई बूट स्पेस बहुत बड़ा है। बस हाँ, एक बार भी पूछा नहीं हमसे, हाँ एक बार भी पूछा नहीं। क्यों पूछो, सही बात है, घर क्यों पूछो, घर के आदमी पूछने चल पड़ेगी। सही बात है भाई, हाँ चमटा मेहमानों को खिलाया जाता है। हाँ मेहमान हो नहीं तुम तो वो हो, बोल नहीं सकता मैं, समझ जाओ गाइस। फिलहाल बज रहा है 10:30, हाँ 10:30 बजे, भी अभी ऑफिस में ही है, अभी निकलेंगे। भाई हालत देख रहे हो क्या बुरे, मतलब एकदम उजड़े चमन टाइप। कल मैं हेयर कट वगैरह कराऊंगा यार, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ यार मुझे बाय, सब लोग भी अभी जा रहे हैं, एक रेंज ओवर डिलीवरी थी, तो वो डिलीवरी वाली वीडियो तो डेफिनेटली ईटीयू स्टूडियो पे आएगी, बाकी भाई को हमने दे दी। भाई अभी यहाँ से लाएंगे हरिद्वार, आराम से, हरिद्वार से आई थी वो गाड़ी हमारे पास। अच्छा है, अभी यहाँ से निकलते हैं सारा चीज़। क्या देख रहे हो भाई, उसमें गंदे गंदे फुटेजेस भी हैं अज्जू भाई जो रिकॉर्ड। अरे झूठा कह रहे, वही दिखाओ। इस गाड़ी में ना हम कुछ डिसाइड कर रहे हैं, अभी तो इसका नोज़ ब्लैक है तब ये इतनी यूनिक लगती है, बट इसमें ना कुछ अलग सा करेंगे, प्लस इसका क्लैडिंग ये है ना सही, हाँ नया, हाँ वो, और कार्बन फाइबर भी तो बहुत सारे पार्ट्स इसके आए, तो मिला जुला के ना इसका पूरा। हाँ तुम आ जाओ फ्रेम में, आ जाओ ना, अरे खराब कर दो ना सब खराब कर दो, थोड़ा सा बचा है खराब कर दो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अज्जू भाई के, लेकिन ना एक बार ना अलग अलग चीज़ें सोचते रहते हैं ना ये है। भाई क्या जबरदस्त लगता है, देखिए गाड़ी की बहुत प्यारी यार, बहुत प्यारी लगती है। आप भी ले लो एक डिफेंडर, आप ब्लैक ले लो, तेरे मुँह में घी शक्कर भाई, खाली दिला देते ना शक्कर की जरूरत की, पैसे दो आप मुँह में कह रहे मुँह में दो पैसे
मैंने करा दुआ तुम्हारे मुंह में घिसक्कर मैं घिसक्कर नहीं पैसे दो कल डिफेंडर खड़ी करा दूं ब्लैक कलर की और बोलो नहीं देख काला झोटा तुम पर जमेगा भाई किसम विकास भाई जब डिफेंडर पर खड़ी खड़े उतरेंगे ये ऐसे कौन उतरता है आप उतरते ना और फिर डांस करेंगे साढ़े 11 अब यहाँ से निकल रहे हैं अब सीधे जा रहे हैं घर कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में टिल देन